प्रधान ने हंसते हुए कहा और रूपक की आंखें सुलग उठी। हाँ, तुम्हारे लिए अब मुझे कसाई भी बनना पड़ेगा। मैं देखूंगा कि तुम कब तक मजाक टालते हो। मैं मरते दम तक मजाक करता रहूंगा। तुम्हें गलत फहमी है मिस्टर इमरान, यह कहकर वो कमरे से बाहर निकल गया। मशीन गनों वाले अभी तक उनके सरों पर खड़े थे और पैरों पर पड़ी हुई कड़ियों ने उन्हें बेबस कर रखा था। ब्लैक जीरो की कार इंतहाई तेज रफ्तारी से दानिश मंजिल की तरफ बढ़ी जा रही थी। पिछली सीट पर तनवीज बेहोश पड़ा था, उसके जख्मों से अब तक खून रस रहा था। ब्लैक जीरो को मालूम था कि हर गुजरता हुआ लम्हा तनवीर को मौत के करीब ले जा रहा था, इसलिए वो कार की रफ्तार लम्हा बलम्हा बढ़ाता चला जा रहा था। अचानक एक धमाके की आवाज आई और कार बेकाबू होने लगी। ब्लैक जीरो ने कार को संभालने की बेहद कोशिश की, लेकिन बेसुध। कार की रफ्तार चूंकि बहुत ज्यादा थी, इसलिए उसे संभालना नामुमकिन हो गया। और फिर वही हुआ, कार कलाबाजी खाती हुई सड़क के नीचे गड्ढे में जा गिरी। और फिर एक और जोरदार धमाका हुआ और पेट्रोल की टंकी ने आग पकड़ ली। ब्लैक जीरो को जिस वक्त थोड़ा होश आया था, उसके चारों तरफ आग के शोले रफ्स कर रहे थे और खुद हिलने से भी माजूर था। न जाने उसके जिस्म में क्या क्या कुछ टूट गया था। आग अभी तक उसके कपड़ों को नहीं लगी थी। उसने महसूस किया कि अगर चंद लम्हे की देर हो गई तो वो फिर जलकर खाक हो जाएगा। वो तनवीर तो शायद उस झटके को बर्दाश्त न कर सका हो, क्योंकि उसके जख्म बेहद खतरनाक थे। तनवीर का ख्याल आते ही उसके जिस्म में बर्फी लहर दौड़ गई। उसने अपने जिस्म को हिलाया और ये देखकर उसे खुद हैरत हुई कि उसके जिस्म की कोई हड्डी नहीं टूटी थी। चारों तरफ आग के शोले मौत की जबान बने लपक रहे थे। कार धड़ाधड़ जल रही थी। ब्लैक जीरो का इतने वक्त तक बच जाना बहुत ही बड़ा मौजदा था। उसने दाएं तरफ देखा तो कार का दरवाजा खुला हुआ था, लेकिन उसके दरमियान आग की चादर तनी हुई थी। उसने अपने जिस्म को सुखेड़ना चाहा, लेकिन टांगे फंसी हुई थी। एक दो दार झटके से टांगे निकल आई। उसने एक लम्हे के लिए सर मोड़ कर देखा तो तनवीर पिछली सीट से गायब था। दूसरे लम्हे उसके कोट को आग लग गई। अब मामला बर्दाश्त से बाहर था। आग की वजह से बेइंतहा गर्मी थी। उसे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे किसी ने उसे जलते हुए आधी जान में फंसा दिया हो। और फिर उसने अपनी पूरी कुव्वत से खुले दरवाजे से बाहर छलांग लगा दी। आग की दीवार पार करते हुए उसके हाथ और मुंह झुलस गए। वो जमीन पर कलाबाजियां खाता हुआ दूर तक चला गया। जमीन पर लौटने की वजह से आग बुझ गई और वो उठ खड़ा हुआ। उसका तमाम जिस्म घोड़े की तरह दुख रहा था। जिस्म पर काफी जख्म आए थे। सड़क बिल्कुल सुनसान पड़ी थी। आग की वजह से चारों तरफ रोशनी हो रही थी। अचानक उसकी नजर दूर पड़े तनवीर पर पड़ी, जो शायद कार के लुढ़कने के दौरान बाहर आ गिरा था। वो तेजी से तनवीर की तरफ बढ़ा। तनवीर अभी तक बेहोश था। उसने उसकी नस पर हाथ रखा। तनवीर के मरने में चंद लम्हों की देर थी। आग उसे फौरी तौर पर लगी। अगर उसे इमदाद ना दी जाती तो वो खत्म हो जाता। सड़क बिल्कुल सुनसान थी। उसने तनवीर को कांधे पर लादा और घड़े से होता हुआ सड़क पर आ गया। दानिश मंजिल वहां से काफी दूर थी। उसने सोचा कि टैक्सी का इंतजार किया जाए, लेकिन इस सड़क पर हो सकता था कि टैक्सी सारी रात ना आती। अब वो फंस गया था। इससे तो अच्छा था कि तनवीर जनरल अस्पताल चला जाता। आखिर उसने दानिश मंजिल की तरफ भागना शुरू कर दिया। काफी दूर जाने के बाद वो एक चौराहे पर आ गया। उधर से एक ट्रक आ रहा था। उसने ट्रक ड्राइवर की मिन्नत की और ट्रक ड्राइवर उसे और तनवीर को पहुंचाने के लिए तैयार हो गया। लेकिन अब ब्लैक जीरो ने दानिश मंजिल जाने का इरादा तर्क कर दिया, क्योंकि ये यकीनी था कि ड्राइवर उसे छोड़कर सीधा पुलिस स्टेशन जाता और फिर यकीनन पोजीशन नाजुक हो जाती। इसलिए उसने राणा पैलेस जाने का ख्याल बनाया और फिर वो राणा पैलेस से तकरीबन 100 गज उधर उतरा। ट्रक के जाने के बाद तनवीर को कांधे पर डालकर राणा पैलेस में दाखिल हो गया। चंद लम्हे बाद डॉक्टर फारूकी तनवीर को देख रहा था। डॉक्टर फारूकी काबिल तरीन सर्जनों में से एक था। उनकी खिदमत एक्स-2 की टीम के लिए मखसूस थी। उसने तनवीर को खतरनाक हालत फौरन भाप लिया। तनवीर के जिस्म में 3 गोलियां थी जिनका निकलना बेहद जरूरी था। उसने फौरन ऑपरेशन का फैसला किया। राणा पैलेस में एक जदीद ऑपरेशन थिएटर मौजूद था। ये इमरान की बेजबंदी थी जो आज तनवीर के काम आई। आधे घंटे के ऑपरेशन के बाद डॉक्टर फारूकी ने इत्मीनान की सांस ली
खतरा बिल्कुल तो नहीं, लेकिन किसी हद तक दूर हो चुका था। डॉक्टर फारूकी ने तनवीर से फारिग होकर प्लेग जीरो की भी मरहम पट्टी कर दी। तकरीबन आधे घंटे के बाद जुबा दोबारा कमरे में दाखिल हुआ, जिसमें इमरान और उसके साथी कैद थे। वो अकेला ना था, उसके साथ एक नकाबपोश भी था। रूपा ने इमरान की तरफ इशारा करते हुए नकाबपोश से कहा, ये मिस्टर इमरान है जिनको गिरफ्तार करने के लिए हम सब लोग कोशिश कर रहे थे। वेरी गुड मिस्टर रूपा, आपने एक इंतहाई काबिल कदर कारनामा सर अंजाम दिया है। बॉस इमरान से मिलकर जरूर खुश होगा, नकाबपोश ने घुरवाई हुई आवाज में कहा। मैंने कहा, ए मैं जबी पर्दा नशीन, क्या तुम अपने दीदार से मुशर्रफ फरमाओगी? इमरान ने हाक लगाई। रूपा ये सुनकर गुस्से से फट पड़ा, शट अप, अदब से बात करो। क्यों, क्या ये किसी स्कूल की मास्टर है? इमरान ने उसी लहजे में कहा। लेकिन रूपा ने इमरान और उसके साथियों के पीछे खड़े हुए हुंडों को इशारा किया और यखलक इमरान और उसके साथियों के सरों पर जैसे पहाड़ टूट पड़ा। मशीन गनों के बट काफी जोर से पड़े थे। एक लम्हे बाद वो सब बेहोश थे। रूपा ने आगे बढ़कर बारी बारी सबकी आंखें खोल कर देखा, फिर मुतमईन अंदाज में तवील सांस ली। लीजिए बॉस, अब ये बड़े बॉस तक आसानी पहुंच जाएंगे। गुड मिस्टर रूपा, ये तुमने अच्छा किया। ये जितनी जल्दी बॉस तक पहुंच जाए उतना ही अच्छा है। फिर रूपा ने एक आदमी को इशारा किया और वो शख्स फुर्ती से कमरे से बाहर चला गया। चंद लम्हों बाद वो कमरे के अंदर दाखिल हुआ। तैयार है बॉस, उसने अदब से सर झुकाकर कहा। ओके, ये कहकर रूपा मेज की तरफ गया और फिर उसने मेज की निचली साइड में लगे हुए किसी बटन को दबाया और इमरान और उसके साथियों के पैरों में पड़ी हुई कड़ियां खुलकर दोबारा सोफे में घुस गई। इनको उठाकर वैन में डालो, रूपा ने विंडो से कहा। और फिर बारी बारी इन सबको उठाकर कमरे से बाहर ले जाया गया। दरवाजे के पास खड़ी एक सेहरा की बन वैन में उन्हें डाल दिया गया। ओके मिस्टर रूपा, आपका काम खत्म हुआ। बॉस यकीनन आपको बहुत बड़े इनाम से नवाजेगा। मैं बॉस का खादिम हूँ, रूपा ने इंतहाई अदब से सर झुकाकर कहा। और वो नकाबपोश वैन के ड्राइवर के साथ बैठ गया और वैन तेजी से चल पड़ी। ब्लैक जीरो इमरान और उसके साथियों के बारे में बेहद बेचैन था। उनकी कोई खबर नहीं थी। इधर सफर भी गुम था। उसके तकरीबन तमाम साथी सिवाय जूलिया के मंजर आम से गायब थे। तनवीर जख्मी पड़ा था। ब्लैक जीरो को इमरान और कैप्टन शकील की सलाहियत पर बेहद बना एतमाद था, लेकिन इसके बावजूद भी वो मुस्तरिब था। अब तक इमरान की तरफ से कोई कॉल आ जानी चाहिए थी। उधर आयशर रहमान ने फोन करके ये भी बताया था कि कैप्टन फैयाज भी कल से गुम था, उसका कोई पता नहीं चल रहा। ब्लैक जीरो की अकल हैरान थी कि ये क्या हो रहा है। आला हकाम अलहदा परेशान थे, इतनी अहम फाइल का कोई पता नहीं चल रहा था। ब्लैक जीरो फाइल की अहमियत से बखूबी वाकिफ था। फाइल में दरअसल उस मंसूबे की तफसील थी जिसके अंदर एक दोस्त मुल्क की मदद से हाइड्रोजन बम और फैक्ट्री तैयार हो रही थी। वो दोस्त मुल्क इस सिलसिले में मंजर-ए-आम पर नहीं आना चाहता था। फैक्ट्री के हिफाजती इंतजाम फाइल की चोरी के बाद सख्त तरीन कर दिए गए, लेकिन उस फाइल में वो माहिदा भी मौजूद था जिस पर उस दोस्त मुल्क के वजीर खारजा के दस्तखत थे। अगर वो माहिदा आउट हो जाता तो बेशुमार बैन अवी पेचीदगियाँ पड़ जाने का खतरा था, इसलिए उस फाइल को हर सूरत में वापस करना इंतहाई जरूरी था। ये सोचें ब्लैक जीरो को बेहद परेशान कर रही थी। एक एक लम्हा अहम था और वो अभी तक इस सिलसिले में कुछ ना कर सका था। आखिर उसने कुछ सोच कर टेलीफोन का रिसीवर उठाया और जूलिया के नंबर डायल किया। चंद लम्हे बाद दूसरी तरफ से जूलिया की आवाज़ आई। यस जूलिया स्पीकिंग, X2, ब्लैक जीरो ने मखसूस लहजे में कहा। यस बॉस, जूलिया की आवाज़ उसके कानों से टकराई। जूलिया, तुम अपनी कार में अभी जामनगर के रूपा बार में जाओ, वहाँ किसी न किसी तरीके से तुम्हें बार के मालिक रूपा से मिलना है। तरीकेकार का फैसला मैं तुम पर छोड़ता हूँ। इमरान वगैरह वहाँ गए थे, लेकिन अब तक उनकी तरफ से कोई इत्तला नहीं मिली। तुमने रूपा से मिलकर अंदाज़ा लगाना है कि इमरान वगैरह कहाँ है, और इस किस्म की बातचीत और एक्टिंग करना कि रूपा तुमसे खटक जाए, और अगर वो तुम्हें अगवा करके कहीं भेजें तो ये ज़्यादा बेहतर है। तुम्हारे बालों के क्लिप में नंबर 4 ट्रांसमीटर ज़रूर मौजूद होना चाहिए, और जिस वक्त तुम रूपा बार में जाओ
उसके बाद उसे हर वक्त ऑन रखना, समझ गई तुम? बिल्कुल बॉस, आप कतई बेफिक्र रहे। यूलिया की आवाज आई। ओके, ब्लैक जीरो ने रिसीवर रख दिया। चंद मिनट तक वो बेटा सोचता रहा, फिर उसने उठकर सामने लगी हुई अलमारी खोली और प्लास्टिक मेकअप करना शुरू कर दिया। अब उसकी शक्ल काफी बदल चुकी थी। उसने दूसरी अलमारी से नंबर 4 ट्रांसमीटर निकाल कर जेब में डाला और एक दो और चीजें जेब में डालकर फिर अपने मखसूस कमरे से बाहर आ गया। उसने जूलिया को बतौर चारा इस्तेमाल करने का फैसला किया था, उसके अलावा उसके ख्याल में और कोई सूरत ना थी। अब वो जूलिया के ताकत करके तंजीम के हेडक्वार्टर का पता चलाना चाहता था। थोड़ी देर बाद उसकी कार तेज रफ्तारी से जामनगर की तरफ दौड़ रही थी। रास्ते में उसे जूलिया अपनी कार में जाती नजर आई। वो उसे क्रॉस करता हुआ निकल गया और दूर चला गया। वो उससे पहले रूपा बार नहीं जाना चाहता था, चुनाचे थोड़ी देर बाद वो रूपा बार में दाखिल हो रहा था। उसने एक कोने में रखी हुई एक अलग थलग मेज संभाली। मेज पर पड़े हुए अखबार को उठाकर पढ़ना शुरू कर दिया। दूसरे लम्हे वेटर उसके सर पर सवार था। काफी लाउंज सर, ब्लैक जीरो ने उसे हिदायत की और वो सर झुकाकर चला गया। चंद लम्हे बाद काफी उसकी मेज तक पहुंच चुकी थी। उसी वक्त जूलिया भी बार में दाखिल हुई। हाल में बैठे तकरीबन तमाम अफराद की नजरें उसकी तरफ उड़ गई। हाल में चौका ज्यादा तादाद गुंडा टाइप अफराद की थी, इसलिए बहुत से लोगों की नजरों में ब्लैक जीरो ने उसके साए नाचते देखे और फिर बड़ा सा मुंह बनाकर काफी तैयार करने लगा। जूलिया हाल के दरमियान पड़ी हुई एक खाली मेज पर बैठ चुकी थी। वेटर लपक कर उसके पास पहुंचा, उसके दांत बाहर निकल रहे थे। ब्लैक जीरो ने जेब से नंबर 4 ट्रांसमीटर, जो बिल्कुल छोटे साइज में था, तकरीबन एक आम कैप्सूल से 4 गुना कम, निकाल कर कान के अंदर चिपका लिया। ये ट्रांसमीटर उसके मुल्क के मशहूर साइंसदान मिस्टर सिद्दीकी की ईजाद थी, जो खसूसन सीक्रेट सर्विस के लिए तैयार किए गए थे। इस ट्रांसमीटर के ऊपर एक ऐसा सोल्यूशन लगा दिया गया था जो जिस्म के साथ चिमट जाता था। उसको इमरान की फरमाइश पर तैयार किया गया था, क्योंकि आम ट्रांसमीटर कानों में नहीं लगाया जा सकता था और अगर इस पर कोई कॉल आता तो एजेंट को उठकर अलीदा जाना पड़ता, जिससे बाज औकात उस पर शक किया जा सकता था। ब्लैक जीरो ने वो ट्रांसमीटर ऑन कर दिया था, इसलिए अब वो आराम से बैठा जूलिया की गुफ्तगू सुन रहा था। कॉफी ले आओ, जूलिया वेटर को कह रही थी। ओके मैडम, वेटर ने कहा और तेजी से काउंटर की तरफ चला गया। थोड़ी देर बाद जूलिया की मेज पर कॉफी सर्व की जा रही थी। जूलिया ने आराम से कॉफी बनाई, उसका एक घूंट लिया और फिर यख यख उसका चेहरा गुस्से से सुर्ख हो गया। वो अपनी जगह से खड़ी हो गई। उसने कॉफी की प्याली जोर से फर्श पर दे मारी। एक धमाका हुआ और हाल में बैठे हुए सब लोग चौंक पड़े। वेटर तेजी से जूलिया की तरफ बढ़ा। ये कॉफी है, ये बार है, ये गंदगी, ये घर। जूलिया की आवाज गुस्से से फट गई। ब्लैक जीरो धीरे धीरे मुस्कुरा रहा था। वो समझ गया था कि जूलिया क्या चाल चल रही है। क्या हुआ मैडम, वेटर ने घबराए हुए लहजे में कहा। तुम्हारा सर, ऐसी कॉफी तुम लोगों को पिलाते हो जिससे बदबू आ रही हो। कहाँ है तुम्हारा बॉस, मैं उससे बात करूंगी। क्या तुम लोग पैसे नहीं देते, खुदा के नाम पर कॉफी पिलाते हो। जूलिया गुस्से से चीख उठी। मैडम मैं और कॉफी ला देता हूँ, वेटर ने जूलिया के गुस्से से और ज्यादा घबराते हुए कहा। हॉल में बैठे हुए बहुत से लोग जूलिया के गिरते इकट्ठे होने लगे। वो सब वेटर को बुला बुला के रहे थे। नहीं, कहाँ है तुम्हारा मालिक, मैं उससे बात करूंगा, जूलिया ने चीखते हुए कहा। मैनेजर काउंटर से निकल कर जूलिया के करीब आ गया। मादाम आप तशरीफ रखें, काफी और आ जाएगी, उसने अपने लहजे को नरम बनाते हुए कहा, हालांकि वो चेहरे से इंतहाई सख्त मालूम हो रहा था। क्या तुम इस बार के मालिक हो, जूलिया ने उसकी तरफ घूमकर गुस्से से कहा। नहीं मादाम, इस बार के मालिक रूपा है, मैनेजर ने जवाब दिया। अब उसके लहजे में हल्की सी तलखी आ गई थी। तो मैं उससे मिलना चाहती हूँ, जूलिया ने कहा। बॉस भी आपसे मिलना जरूर पसंद करेंगे, क्योंकि आप जैसी चिट्ठियाँ उसे अच्छी लगती हैं, मैनेजर ने जहर खम लहजे में कहा। शट अप, जूलिया चीखी और उसका हाथ घूम गया। मैनेजर के चेहरे पर सन्नाटेदार थप्पड़ पड़ा। लोग सकते में आ गए। मैनेजर की आंखों में सुर्खी आ गई। उसने जेब में हाथ डाला, इससे पहले कि उसका हाथ जेब से बाहर आता, सीढ़ियों पर रूपा नजर आया।
क्या हंगामा हो रहा है? रूपा ने गरज दार आवाज में पूछा। उस आवाज के सुनते ही हाल में अफरा तफरी मच गई। जूलिया के इर्द-गिर्द खड़े हुए होने तेजी से अपनी अपनी मेजों की तरफ चले गए। मैनेजर का चेहरा गुस्से से सुर्ख हो रहा था, लेकिन उसने अपने लहजे को मुंह दबाना बनाते हुए रूपा से सारी तफसील बयान की। तो तुम हो रूपा इस बार के मालिक? जूलिया ने लापरवाही से रूपा की तरफ देखते हुए कहा। हाँ, रूपा ने आहिस्ता से कहा, तुम्हारे यहाँ ऐसी सड़ी हुई गंदगी कॉफी लोगों को पिलाई जाती है। जूलिया ने कॉफी की तरफ इशारा करते हुए कहा, तुम मेरे साथ दफ्तर चलो, वहीं आराम से बात करेंगे। रूपा की आंखों में अचानक चमक आ गई। वो गौर से जूलिया की तरफ देख रहा था। क्यों, यहाँ बात करने में क्या हर्ज है? जूलिया ने पूछा। शायद तुम डर रही हो मादाम, मेरे ख्याल में यहाँ के माहौल से मेरे कमरे में बैठकर बातें करना ज्यादा बेहतर है, रूपा ने मुस्कुराते हुए कहा। मैं तुमसे क्यों डरूं? क्या तुम खा जाओगे? चलो, मैं चलने को तैयार हूँ, जूलिया ने कहा, और वो दोनों सीढ़ियां चढ़कर ऊपर चले गए। ब्लैक जीरो अपनी मेज पर बैठा इत्मीनान से सब कुछ सुन रहा था। उसने हंगामे में कोई दखल ना दिया, बल्कि खामोशी से बैठा काफी पीता रहा। उनके ऊपर जाने के बाद हाल में जूलिया के मुतालिक चीमगोइयां शुरू हो गई और मैनेजर काउंटर के पीछे खड़ा अब भी अपना गाल सहला रहा था। शायद थप्पड़ काफी जोरदार था। बैठ जाओ, रूपा की आवाज ब्लैक जीरो के कानों में आई। जूलिया धम से सोफे पर बैठ गए। रूपा ने घंटी बजाई, फौरन एक बेरा कमरे में आ गया। बेहतरीन कॉफी तैयार करा के लाओ, रूपा ने बेरे से कहा, और बेरा अदब से सर झुकाकर बाहर निकल गया। मैं आपका नाम पूछ सकता हूँ? रूपा ने जूलिया से मुखातिब होकर कहा। मुझे जूलिया कहते हैं, जूलिया ने असल नाम बता दिया। जूलिया? रूपा चौंक पड़ा और फिर बगौर जूलिया को देखने लगा। तुम चौंके क्यों? जूलिया ने हैरत से कहा। कुछ नहीं, किसी जमाने में मेरी एक दोस्त का नाम जूलिया था, रूपा ने अहम सा जवाब दिया। इतने में बेरा काफी लेकर आ गया। रूपा ने काफी बनाई और एक प्याली उठाकर जूलिया के सामने रख दी। जूलिया रूपा को बगौर देख रही थी। उसके चौंकने से वो खटक सी गई थी कि रूपा उसकी असलियत पहचानता है, इसलिए उसे शक था कि वो काफी में जरूर कोई ख्वाब आवर दवा मिलाएगा। लेकिन उसके बगौर देखने के बावजूद उसे ऐसी कोई हरकत नजर ना आई, चुनाचा वो काफी की तरफ से मुतमईन हो गई। हाँ तो मिस जूलिया, आपका पूरा नाम क्या है? रूपा ने कुछ सोचते हुए कहा। जूलियाना फिटरवाटर, जूलिया ने इत्मीनान से जवाब देकर कॉफी का एक लंबा घूंट लिया। क्या तुम इमरान के साथी हो? अचानक रूपा ने पूछा और कॉफी की प्याली जूलिया के हाथों से गिरते गिरते बची, क्योंकि उसके गुमान में भी ना था कि रूपा इमरान के बारे में यूं बराह रास्त सवाल कर देगा। तुम इमरान को कैसे जानते हो? जूलिया ने आवाज बजा लाते हुए रूपा से पूछा। इमरान और उसके साथियों को मैंने गिरफ्तार कर दिया है मिस जूलिया, और रूपा के हाथों में रिवॉल्वर चमकने लगा। जूलिया चौंक कर खड़ी हो गई। तो तुम क्या मुझे गोली मारोगे? जूलिया ने खौफजदा होने की एक्टिंग की। नहीं, पहले ये बताओ कि तुम खसूसन मेरे कैफे में क्यों आई और फिर खास तौर पर झगड़ा खड़ा किया? मेरे ख्याल में तुम मुझसे मिलना चाहती थी। इसका मतलब है कि तुम्हारा कोई ना कोई साथी तुम्हारी निगरानी कर रहा होगा। वैसे मैं उसे चेक करवा लूंगा। यह कहकर उसने एक हाथ से मेज पर लगा हुआ एक बटन दबाया। चंद ही लम्हे बाद एक गुंडा हाथ में मशीन गन लिए कमरे के अंदर आ गया। मिस जूलिया, अपना रिवॉल्वर निकाल कर बाहर मेज पर रख दो, वरना मेरा यह साथी तुम्हारे कपड़ों में हाथ डालने से भी गुरेज नहीं करेगा, रूपा ने इत्मीनान से जवाब दिया। मेरे पास कोई रिवॉल्वर नहीं और तुम तो इसलिए मुझे यहाँ ले आए थे। इमरान से मेरी सिर्फ दोस्ती है, मैं उसके किसी जुर्म में शरीक नहीं, जूलिया ने एहतियातन कहा। शर्ट आप शराफत से रिवॉल्वर मेज पर रख दो, रूपा ने तलख लहजे में कहा। जूलिया एक लम्हे के लिए हिचकिचाई, लेकिन फिर गुंडे को अपनी तरफ बढ़ते हुए देखकर उसने अपना रिवॉल्वर निकाल कर मेज पर रख दिया। शुक्रिया, रूपा ने ठीक ही अंदाज में कहा। अब मैं देखता हूँ तुम्हारा साथी कौन है। यह कहकर उसने मेज पर लगे हुए बटन को दबाया। ब्लैक जीरो ये सुनकर फौरन मेज से उठा। उसने बिल पहले ही अदा कर दिया था और वो तेज तेज चलता हुआ कैफे से बाहर निकल आया। उसने कार स्टार्ट की और थोड़ी दूर वाके एक और कैफे में जाकर बैठ गया। रूपा के बटन दबाने के चंद समय बाद एक बेरा फुर्ती से कमरे में दाखिल हुआ। यस सर,
मैनेजर को बुलाओ। ओके बॉस, मेरा वापस चला गया। चंद लम्हे बाद काउंटर मैन, जिसको जूलिया का थप्पड़ पड़ा था, अंदर दाखिल हुआ। अंदर की सिचुएशन देखकर वो एक लम्हे के लिए ठटका। देखो टोनी, वैन का इंतजाम करो, मिस साहिबा को नंबर 16 ले जाना है। ओके बॉस। टोनी भरपूर नजरों से जूलिया को देखता हुआ वापस मुड़ गया। तुम इसका ख्याल रखो, मैं इसके साथी का पता करता हूँ, रूपा ने होने से कहा और खुद बाहर निकल आया। वो सीढ़ियाँ उतरकर हॉल में दाखिल हुआ और फिर उसने गहरी नजरों से हॉल में बैठे हुए अफराद को देखना शुरू कर दिया, लेकिन वहाँ उसे कोई भी मशकूक नजर ना आया। ब्लैक जीरो वैन का लफ सुनकर कैफे से बाहर निकल आया और टहलते टहलते रूपा बार की पिछली गली में आ गया। उसे मालूम था कि रूपा का एक मखसूस दरवाजा पिछली गली में वाकई है, इसलिए उसे उम्मीद थी कि वैन इस गली में खड़ी होगी, और वाकई एक सेहरम की वैन वहाँ खड़ी थी। वो मोहतात अंदाज में चलता हुआ वैन के करीब आया। वैन में कोई आदमी नहीं था, शायद ड्राइवर को इत्तला करने गया था। उसने जल्दी से जेब से एक छोटा सा चिपटा सा डब्बा निकाला और उसके साथ एक सोलूशन टेप लगा हुआ था। उसने फुर्ती से वैन के पिछले नंबर के नीचे इस डब्बे के टेप को चिपका दिया और फिर खुद मुतमईन अंदाज में चलता हुआ गली पार कर गया। ये ताता करने का महफूज तरीन अंदाज था और ये इमरान की मखसूस ईजाद थी। इस डब्बे में एक मखसूस बेरंग सयाद था जो कार चलने के साथ साथ धीरे धीरे सड़क पर गिरता चला जाता। उसे हर शख्स नहीं देख सकता था। एक मखसूस ऐनक पहनने से ये सड़क पर पड़ा हुआ दूर से चमकता था और ताकू कंधा वो ऐनक पहनकर बड़े आराम से इस सयाल को देखता हुआ तौकू करता रहता। ये इंतजाम करके ब्लैक जीरो दोबारा कैफे में आकर बैठ गया। इस दौरान उसने सुना कि जूलिया को पिस्तौल का दस्ता मारकर बेहोश कर दिया गया और रूपा उसे वहीं वैन में लाने का हुक्म दे रहा था। जूलिया को वैन में लाया गया और फिर वैन चल पड़ी। रूपा ने ड्राइवर को ताकू का खास ख्याल रखने की हिदायत की और वैन चल पड़ी। ब्लैक जीरो बड़े इत्मीनान से कैफे में बैठा मुस्कुरा रहा था। काफी देर बाद वो उठा, उसने बिल अदा किया और कार लेकर वैन के पीछे चल पड़ा। उसने वो मखसूस ऐनक पहन रखी थी और सड़क पर चमकता हुआ सयाल उसे बखूबी नजर आ रहा था। एक बहुत बड़े हाल में इमरान, कैप्टन शकील, जोसफ, सिद्दीकी, जूलिया, सफदर और सुपरिटेंडेंट फैयाज कुर्सियों पर बंधे हुए थे। ये मुजरिमों का मुकामी हेडक्वार्टर था जहाँ गुंडे हाथों में मशीन गने लिए हाल के चारों कोनों में खड़े थे और हाल में 3 नकाबपोश भी मौजूद थे। वो सब खामोश थे। थोड़ी देर बाद उनमें से एक ने कहा, बॉस अभी तक नहीं आया। उसने कहा तो है कि वो आ रहा है, कब पहुँचेगा? दूसरे ने जवाब दिया, भाई साहब पानी तो पिला दो। काफ़ी देर की खामोशी से इमरान की जबान खुजलाने लगी थी। बॉस के आने पर सब कुछ मिलेगा, अभी खामोश रहो, एक निकाब पोश ने उसे डांटते हुए कहा। तो क्या तुम्हारा बॉस बेइज्जती का काम करता है? इमरान ने हंसते हुए कहा, लेकिन वो शख्स बेइज्जती का मतलब ना समझ सका। बेइज्जती क्या? उसने अजरा तजस्सुस से पूछ लिया। बेइज्जती हमारे यहाँ ऐसे आदमी को कहते हैं जो बहुत सखी हो। खामोश रहो, शायद बॉस आ रहा है, नकाब पोश ने जल्दी से कहा, क्योंकि हाल में लगा हुआ सुर्ख बल्ब जल्द बुझने लगा था। तो क्या मैं तुम्हारे बॉस से डरता हूँ? इमरान ने मुजहगा खैज अंदाज में कहा। शट अप, नकाब पोश गुस्से से चीख पड़ा। बुरी बात है, चीखने से इंसान को सुस्तान हो जाता है, इमरान ने उसी लहजे में कहा। इससे पहले कि नकाब पोश कोई जवाब देता, दरवाजा खुला और एक दुबला पतला तवील कामत नकाब पोश अंदर दाखिल हुआ। सब नकाब पोश उसे देखते ही अदब से उठ खड़े हुए। इमरान ने भी उठने की कोशिश की, लेकिन उस कोशिश में नतीजा ये हुआ कि वो कुर्सी समेत फर्श पर लुढ़क गया। बॉस के इशारे पर एक उम्र ने आगे बढ़कर इमरान को कुर्सी समेत सीधा कर दिया। शुक्रिया भाई साहब, इमरान यूँ हाँफने लगा जैसे 20 मील की दौड़ लगा कर आया। उसके चेहरे पर हिमाकतें भरपूर अंदाज में जलवा दिखा रही थी। बॉस एक कुर्सी पर आकर बैठ गया। इमरान कौन है? उसकी गंभीर आवाज हाल में गूंजी। ये एक नकाब पोश ने इमरान की तरफ इशारा करते हुए कहा। उसने सर हिलाया। बाकी कौन है? उसने दोबारा पूछा। मेरे बराबरी है हुजूर, इमरान का लहजा इंतहाई मुदवाना था। शट अप, बॉस ने उसे डांटा और इमरान यूं डर कर सिमट गया जैसे उसका हार्ट फेल हो जाए।
ये उसके साथी हैं। एक नकाब पोश ने जूलिया जोसफ सिद्दीकी और कैप्टन शकील की तरफ इशारा किया और फिर सब्जर की तरफ इशारा करते हुए कहा, ये स्पेशल क्राइम ब्रांच का जासूस है। और फिर फैयाज की तरफ देखकर कहा, ये यहाँ के मुकामी सीआईडी का सुपरिटेंडेंट है। ठीक है, बॉस ने सर हिलाया। वो कुछ देर सोचता रहा। नंबर 16 कहा है, उसने एक नकाब पोश से कहा। ब्लैक लेग में सर, नकाब पोश ने मौतबाना जवाब दिया। उसे बुलाओ। और एक नकाब पोश के इशारे पर दरवाजे के पास खड़ा हुआ गुंडा बाहर चला गया। चंद लम्हे बाद एक नकाब पोश अंदर दाखिल हुआ। सामान तैयार है, बॉस ने उससे पूछा। यस सर, नंबर 16 ने सर झुकाकर कहा। ले आओ, बॉस ने कहा। इमरान सोच रहा था कि कौन सा सामान होगा, शायद ये लोग यहाँ से भागना चाहते हैं। चंद लम्हे बाद उसने मुंह बना लिया, क्योंकि वो नकाब पोश अंदर दाखिल हुआ था। उसके हाथ में इलेक्ट्रिक कागिया उठाया हुआ था। वो समझ गया कि ये अजियत का सामान के मुतालिक पूछ रहा था। कागिया एक छोटा सा औजार होता है, जिससे इलेक्ट्रिक पायरों में जोर लगाए जाते हैं। चुनाचे अब इस कागिये से इनमें से किसी के जिस्म को जलाया जाएगा। इमरान को आगे ले आओ, बॉस ने हुक्म दिया। और वो नकाब पोश इमरान को कुर्सी समेत उठाकर हॉल के एक सतून के पास लाकर रख दिया। बॉस उस सतून के पास बैठा हुआ था। इसकी कमीज फाड़ डालो। और एक बंदे ने उसकी कमीज की आस्तीन फाड़ डाली। अरे 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 जालिमो, इतनी कीमती कमीज का सत्यानाश कर दिया, इमरान ने घबराए हुए लहजे में कहा। कोई बात नहीं, नई मिल जाएगी, बॉस ने इत्मीनान से कहा। अच्छा फिर ठीक है, इमरान जैसे मुतमईन हो गया। लगाओ, बॉस ने आहिस्ता से कहा। और उनमें से एक नकाब पोश ने कागिये का स्विच बिलग में लगाया। और एक मिनट बाद जब कागिया सुरख हो गया, तो उसने उसे इमरान के बाजू की तरफ बढ़ाया। ब्लैक जीरो सियाल की मदद से ताप करता हुआ दारुल हुकूमत आ पहुंचा। ताप किंग्स लैंड की एक वसी ओवर इस गोटी पर खत्म हुआ। कोटी पर ना कोई गैम्बर प्लेट लगी हुई थी और ना कोई नीम प्लेट मौजूद थी। कोटी का फाटक बंद था। उसने काफी आगे जाकर एक छोटी सी गली में अपनी कार खड़ी की और उतर कर खुद कोटी की पिछली तरफ आ गया। अंधेरा काफी बढ़ गया था, इसलिए देख लिए जाने के इम्कान कम थे। अब ब्लैक जीरो के लिए सबसे बड़ा मसला कोटी के अंदर जाने का था, क्योंकि कोटी का गेट बंद था और कोटी की दीवारें काफी ऊंची थी। और उसको इस बात की भी फिक्र थी कि अंदर इमरान लोगों का क्या हो रहा होगा, इसलिए वो जल्द अज जल्द अंदर पहुंचना चाहता था किसी भी तरीके से। ब्लैक जीरो ने गली के पीछे की तरफ से अंदर की तरफ चलना शुरू किया। अंदर जाकर उसे एक पाइप ऊपर जाता हुआ नजर आया, जो यकीन छत तक जा रहा था। ब्लैक जीरो उस पाइप के जरिए छत पर पहुंच गया। वहां से आगे जाकर उसने देखा कि एक सीढ़ियां नीचे कमरे की तरफ जा रही हैं। ब्लैक जीरो बड़े मुहताद अंदाज में नीचे की तरफ उतरने लगा। नीचे पहुंचकर उसने देखा कि ये एक काफी लंबा कॉरिडोर है और यहाँ काफी सारे दरवाजे हैं। और एक तरफ उसे काफी बड़ा दरवाजा नजर आया। उसने सोचा यकीनन ये हॉल होगा और हो सकता है सब लोग यही मौजूद हों। लेकिन मसला था अंदर जाने का। अभी ब्लैक जीरो सोच ही रहा था कि अचानक उसे कदमों की आवाज आने लगी। वो ठिठक चुक गया। उसने सोचा यकीनन ये चौकीदार हार गए। फिर वो वापस ऊपर की तरफ आ गया और कदमों की आवाज सुनने लगा। कदमों की आवाज आहिस्ता आहिस्ता करीब होती गई और फिर करीब आकर वो दोबारा दूर होती गई। ब्लैक जीरो समझ गया कि चौकीदार यहाँ से चक्कर लगाकर दूसरी तरफ जा रहा है। फिर जैसे ही कदमों की आवाज आना बंद हुई, ब्लैक जीरो वापस तेजी से नीचे की तरफ आ गया। वो सीधा बड़े हॉल वाले दरवाजे की तरफ पहुंच गया। अब वो कान लगाकर गेट के पास खड़ा हो गया। अंदर से उसे सरगोशियों की आवाजें आ रही थी। वो समझ गया यकीनन अंदर सब लोग मौजूद हैं। अचानक उसे दोबारा कदमों की आवाज आना सुननी शुरू हो गई और इस बार दो लोगों के कदमों की आवाज आने लगी। ब्लैक जीरो ने सोचा कि मैं फंस जाऊंगा। उसने जल्दी जल्दी अपना दिमाग दौड़ाना शुरू किया। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। अचानक उसे ऊपर रोशनदान नजर आया। ब्लैक जीरो ने सोचा इसके अलावा और कोई चारा नहीं। उसने एक जंप लगाई और सीधा रोशनदान के अंदर चला गया। अब वो बड़े मुहताद अंदाज में रोशनदान में आगे की तरफ